पखांजूर में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा से गुजरने वाली इंद्रावती नदी पर 15 सवारियों से भरी नाव पलट गई। कल देर शाम महाराष्ट्र के सिरोंचा तहसील के निवासी नाव से नदी पार कर रहे थे, तभी तेज बहाव में फंस गए और नाव अचानक पलट गई। 13 लोगों ने तैर कर अपनी जान बचा ली, लेकिन 2 महिलाएं तेज बहाव में बह गईं, जो अभी तक लापता है। स्थानीय पुलिस, वन विभाग और आपदा विभाग के कर्मचारी सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तो 13 लोगों ने तैर कर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन जबकि जो 2 महिलाएं भी उस नाव में सवार थी वो तेज बहाव के पानी में बह गई, जिनकी तलाश गोताखोरों की मदद से की जा रही है। हालांकि अब भी महिलाओं का कुछ पता नहीं चल पाया है। तो पखांजूर से बड़ी खबर, इंद्रावती नदी में अचानक से नाव पलट जाने से उसमें सवार 13 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि 2 महिलाएं और जो उसमें सवार थे वो पानी में डूब गईं। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समता अमर मंडल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमर, कुछ जानकारी अभी तक उन महिलाओं की लग पाई है? जी, आपको बताता हूँ, अब तक दोनों महिलाओं की कोई जानकारी नहीं मिली है, जो कि घटना कल पिछले शाम की है, जब 15 लोग सवार होके नदी पार कर रहे थे। बीच नदी में जब उफान ज्यादा हो गया, जिसके चलते नाव पलट गई, पलटने जाने से 13 लोग जो है अपने जान बचाने में कामयाब रहा, लेकिन बाकी जो महिलाएं 2 महिलाएं थी वो तेज बहाव के चलते बह गई है, जिसके पूरे गोताखोरों की अभी भी सुबह से लगी हुई है, लेकिन अब तक उनका कोई खबर नहीं मिला है। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है? लगभग कितनी टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं जो रेस्क्यू कर रही हैं? जी अमर, तो अमर से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि अब भी सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, रेस्क्यू चल रहा है कि किसी तरीके से उन महिलाओं को ढूंढ लिया जाए। इंद्रावती नदी में 15 सवारियां नाव में सवार थी, हालांकि 13 लोगों ने तैर कर अपनी जान बचा ली थी, जबकि 2 महिलाएं इस पानी में डूब गई क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था। जबलपुर से